एक तो ईद बकरीद आने वाली है, कुछ इसके वजूब की कुर्बानी के वजूब की शराइत पहले मैं जिक्र कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस लिए जाएंगे। देखें कुर्बानी के जब 3 दिन आते हैं तो वैसे तो फुकहा ने फरमाया कि इन 3 दिनों में हर आकिल बालिग मर्द औरत अपने अंदर कुर्बानी की शराइत को तलाश करे, लेकिन बेहतर यह है कि फ़र्ज़ कर लें अगर आप पे कुर्बानी वाजिब होती तो आप कब जानवर ख़रीदते? जैसे मसलन आपको अंदाज़ा हो कि 1 हफ़्ते पहले ले आते या 3 दिन पहले ले आते, तो बस उस वक्त आप अपने अंदर ये शराइत तलाश कीजिएगा। घर के जिस फर्द में ये शर्तें जमा होंगी उस पर ईदुल अज़हा की कुर्बानी करना वाजिब होगा। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह देखा ही नहीं जाता, बस अब्बा जान कुर्बानी कर रहे हैं वही करते चले जाते हैं। बाद अवकात घर वालों के अंदर एक राउंड लगता है कि इस साल वालिद साहब की कुर्बानी अगले साल वालिद साहब नहीं करेंगे, अम्मी की तरफ से होगी, फिर वो नहीं करेंगे तो दादी जान की तरफ से होगी। इसी तरह बाद लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हम पहली मरतबा कुर्बानी कर रहे हैं तो सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से पहली कुर्बानी करनी चाहिए। इसी तरह बाज़ लोग ये समझते हैं कि पहले वालिदैन की तरफ से होगी फिर हम कुर्बानी करना शुरू करेंगे। ये सब ख्यालात ठीक नहीं हैं। पहली बात याद रखिएगा कि जिसमें कुर्बानी की शराइत हैं उसमें उस पर कुर्बानी वाजिब है, उसे तो अपनी तरफ से करनी ही होगी। तो ये हो सकता है कि वालदा में कुर्बानी की शराइत जमा हो वालिद में नहीं, तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, वालदा पर होगी। और ये भी पॉसिबल है कि वालिद साहब के पास भी शराइत जमा हैं, वालदा भाभी भाई बच्चे बहनें जो बालिग हैं, एक एक घर में 10-10 कुर्बानियाँ वाजिब हो रही होती हैं लेकिन पता ही नहीं होता। तो इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है अगर पहली मरतबा भी है तो उसे वाजिब अपनी तरफ से करके अदा करना होगा। फिर ये नहीं है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें, क्योंकि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करेंगे तो वो नफली कुर्बानी होगी, तो फिर आपका वाजिब तो रह जाएगा, आप गुनाहगार होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स जज्बा रखता है तो 2 जानवर लेकर आए या 2 गाय के हिस्से ले, एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और एक अपनी तरफ मंसूब करके करे। लेकिन बहरहाल जिसमें कुर्बानी की शराइत जमा है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब वो शराइत क्या है? नंबर 1, मुसलमान होना काफिर पर नहीं होती। आकिल और बालिग होना, पागल मजनून और नाबालिग बच्चे पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। 3, मुकीम होना, यानी इंसान मुसाफिर ना हो। मुसाफिर से मुराद जो शरई मुसाफत होती है कि आप शहर की हदूद से बाहर निकल गए और कम से कम 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा है। जैसे शहर की हदूद से निकलेंगे मुसाफिर हैं, फिर उस वक्त तक आप मुसाफिर रहेंगे जब तक आप किसी और शहर में जाकर कम से कम 15 दिन क़याम की नियत ना कर लें, या फिर वो आपका वतन असली हो। वतन असली कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ पर आप पैदा हुए और आपका आबाई घर अब भी वहाँ मौजूद है, माँ बाप हैं या आबाई घर मौजूद है, कम से कम वो आपका वतन असली है। जैसे आप कराची में काम के लिए आए और फिर 2 दिन के लिए अपने वतन असली में चले गए कुर्बानी के अय्याम में, तो वो तो फिर आपका वतन असली है, जैसे आप पहुँचेंगे मुक़ीम हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपने किसी और जगह रहाइश अख्तियार कर ली और वहाँ से निकलने का इरादा नहीं है कि अब मैं मुस्तकिल यहाँ रहूँगा, वो वतन असली होता है। और 3, कहीं पर आपने शादी की हो और आपकी ज़ौजा वहाँ पर होती हों, मौजूद हैं, तो फिर आप जैसे दूसरे सिटी में चले गए, जैसे ही अपने उस शहर में आएंगे जहाँ आपने शादी की है और ज़ौजा भी उधर होनी चाहिए उस शहर में, तो आप मुकीम खुद ब खुद हो जाएंगे चाहे 2 दिन के लिए गए हों। लेकिन इसके अलावा अगर कोई है इन 3 चीज़ों के अलावा, तो कम से कम 15 दिन की नियत करेंगे तो मुकीम होंगे, वरना मुसाफिर रहेंगे। तो मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, मुकीम पर वाजिब होती है। और 4, ये अच्छी तरह जहन में रखिएगा कि कुर्बानी के 3 दिनों में अगर आपके पास इतना माल है कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए और वो आपकी ज़रूरत से या हाजत असलिया से ज़ायद भी हो, तो आप पे कुर्बानी वाजिब होगी। यानी ये कुर्बानी का निसाब है। 52.5 तोला चांदी तकरीबन आजकल 45,000-50,000 का हिसाब कर लें आप, बस इतना अगर अमाउंट आपके पास है और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद होना चाहिए। ज़रूरियात ज़िंदगी में कौन सा होगा? जैसे अगर फ़र्ज़ कर लें आपको सैलरी मिली तो राशन लेना है, बच्चों की फ़ी पे करनी है और चीज़ें हैं, या घर के जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान होता है जैसे आपके कपड़े हैं, आपके जूते, और अगर आपने AC लगाया हुआ है वो भी हाजत असले में आता है, आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन वगैरह, ये सब हाजत असले में आते हैं। इसी तरह आपका ज़ाती मकान, ये हाजत असलिया में है। इससे फालतू कोई भी सामान हो कि जो आपने मतलब जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी से जायद है या फिर सोना चांदी की शक्ल में है, तो वो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी।
लिहाजा अब आपको देखना ये होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी बहन के पास एक तोला सोना है तो यकीनन 52.5 तोला चांदी तक इसकी कीमत पहुँचती है, तो उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। ये ज़कात के निसाब को ना देखिएगा, इसमें यही लिखा है कि अगर किसी के पास भी किसी भी किस्म का माल ऐसा हो जो हाजत असले से ज़ायद हो और उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा यहाँ तक फुकहा ने लिखा है, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई मकान किराए पर चढ़ाया हुआ है तो वो तो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है ना, तो उस मकान की भी मालियत का हिसाब होगा, कुर्बानी वाजिब। इसी तरीके से अगर आपका ज़ाती मकान आप रह रहे हैं उसमें 6 कमरे हैं, 4 यूज़ होते हैं, 2 कमरे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, इन 2 कमरों की कीमत का भी हिसाब किया जाता है। इसी तरह आपके वो कपड़े जो आप पहनते नहीं हैं, छोड़ दिए हैं, जैसे बहनों के शादी के होते हैं एक सूट सिर्फ शादी के टाइम ही पहना जाता है, फिर ऐसे फालतू पड़ा हुआ है, इसकी कीमत का भी एतबार होगा, यानी जो भी हाजत असले से ज़ायद। इसी तरीके से अगर आपने BC भरी हुई है और अभी आपकी निकली नहीं तो समझ लें वो आपका कर्ज़ा आपने दिया हुआ है, उसकी मालियत का भी हिसाब होगा। इसी तरह किसी को कर्ज़ दिया हुआ है आपने, उसकी मालियत का भी हिसाब है। तो खुलासे कलाम ये है कि कुर्बानी के दिन जब करीब आ जाएं तो आप यूं करें, जितना आपका सोना है उसका उसकी कीमत निकलवा लें, चांदी की कीमत निकलवाएं, जितना कैश रुपया पड़ा है वो भी, प्राइस बॉन्ड हों, शेयर्स हों, सेविंग सर्टिफिकेट्स आपने ले कर रखे हैं उन सब की कीमत इसमें ऐड कर लें। इसके अलावा आपने अगर BC दी है और अभी निकली नहीं, वो आपका कर्ज़ है समझ लें, इसे भी ऐड करें। किसी को वैसी कर्ज़ दिया हुआ है वो भी इसमें ऐड कर लें और इसका टोटल निकाल लें। टोटल निकालने के बाद फिर आप ये ज़रूर देखिएगा कि क्या इसमें से कुछ ऐसा पैसा है जो मुझे फौरी तौर पे घर में खर्च करना हो, या पूरे महीने में जैसे बजट का होता है आप यूटिलिटी बिल्स के लिए और राशन वगैरह के लिए रखते हैं, उसे इसमें से माइनस कर दें। इसके अलावा हर वो कर्ज़ा जो इस मंथ में आपको फौरी तौर पर अदा करना है, जैसे कोई इंस्टॉलमेंट देनी है आपने या किसी का कर्ज़ा लिया हुआ और वो कभी भी मुतालबा कर सकता है, ऐसा कोई कर्ज़ा जिसकी कोई मियाद वगैरह मुकर्रर ना हो, उस सब को भी इसमें से माइनस कर दें। अब जो बाकी बचे देखें, अगर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँच जाता है तो बस फिर ठीक है, आप पे कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं है। सॉरी, इसी तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को ऐड किया, कर्ज़ बाहर निकाला, आपने कोई मकान किराए पर दिया हुआ है, दुकान किराए पर दी हुई है, या आप दुकान चलाते हैं वो दुकान आपकी हाजत असले से ज़ायद के लाएगी, उसकी कीमत ऐड करेंगे तो कुर्बानी बन जाएगी। इस तरीके से हर घर का फ़र्द कुर्बानी का हिसाब करे। अच्छा, जब इस किस्म के मसाइल लोग सुनते हैं, चूँकि इसमें ख़र्चा होता है, तो कहते हैं ये तो हमने आज तक नहीं सुना था, पता नहीं कहाँ से मसाइल निकाल कर ले आए। तो हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम है आपको समझाना। अगर आप एक ऐसे माहौल में रहे कि जहां आपको किसी ने ये मसले नहीं बताए, तो वो बताना ना बताना वो छोड़ दीजिए, हमारा काम था इन मसाइल को सीखना। अगर हम ऐसे माहौल में थे कि जहां कोई बताने वाला नहीं था, या हमने उलमा से कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा, या हम कोई दीनी प्रोग्राम ही नहीं देखते हैं, हमारा मोबाइल रिमोट कंट्रोल हाथ में होता है, हर किस्म का स्पोर्ट्स का चैनल, फिल्म का चैनल, दीगर चैनल चलते हैं, लेकिन जब दीनी चैनल आते हैं तो हम उन प्रोग्राम्स को नहीं देखते, तो इसमें किसी का कसूर नहीं। ये वो मसाइल हैं जिनका सीखना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम करार दिया गया है। अगर आप नहीं सीखेंगे और लाइल्मी की वजह से कोई ऐसी कोताही हुई है तो आप काबिल गरीफ थे, बरोज़ क़यामत अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। तो मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि जब इस किस्म के आपने मसाइल बयान किए तो सर पकड़ के बैठ गए कि मुफ्ती साहब हम पे तो इसका मतलब है 20-20 साल से कुर्बानी बन रही थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो भाई नहीं पता था तो करें, तो लिहाजा अगर किसी की पिछली कुर्बानियाँ रहती थी तो, या जैसे पता था कि कुर्बानी हमने करनी है नहीं कर सके, या लाइल्मी के हमें मसला ही पता नहीं था, ऐसे अफराद अब कुर्बानी की जगह कुर्बानी नहीं कर सकते, वो निकल गई। अब एक कुर्बानी की कीमत सदका कर दें, या तो बकरी की कीमत कर दें बकरे की, और या फिर एक कम से कम एक गाय का हिस्सा जो मोतदिल किस्म का हो। यूँ नहीं कि 4-5 हज़ार आपने खर्च कर दिए, वे 4-5 हज़ार में 7 चौक 28 28 हज़ार की गाय कैसी आएगी, 7 हिस्से हो सकते हैं तो कैसी गाय आएगी। अच्छी थोड़ी सी दरमियाने दर्जे की गाय का हिसाब करें और उसको आप, यानी जितने रहती हैं 10 कुर्बानियाँ हैं तो अगर आप 7 हिस्से एक गाय के और 3 हिस्से और गाय के अंदर मिला लें तो 10 हिस्से हो गए, इतने आपको रकम सदका करनी होगी। फौरी तौर पे कर सकते हैं बेस्ट है, वरना अगर इतने पैसे नहीं हैं तो बहरहाल इस दफ़ा की कुर्बानी वाजिब है, वो पहले करें और पीछे वाली कुर्बानी के थोड़े थोड़े साल ब साल खर्च करते रहें ताकि वो आपका हिसाब किताब पूरा हो और आप आखिरत की गरीब से महफूज रह सकें। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए।